सो गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू स्कॉर्पियो 2021 का बेस मॉडल है और बेस्ट चीज मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई हमारा प्यार आया भाई महाराष्ट्र से, ये देखो अल्टीमेट वाला भाई प्यार आ चुका है। और भाई S5 मॉडल है और इसको S11 में टोटली कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जनरली अभी हम क्या चीज दिखा चुके और क्या उसमें नया ला रहे हैं वो चीज शेयर करो। आज नया लाने के चक्कर में तो मेरा नींद भी पूरा नहीं, मतलब शर्ट वर्ट भी ऐसे ही आ गया चामुंडा भाई, क्या सीन है ये? आ गया था सुबह 6 बजे से उठ गया उस गाड़ी के चक्कर में, इस गाड़ी के चक्कर में है। मेरे को एक काम इसमें एक्टिवेट करना था, कुछ नया चीज एक्टिवेट करना था, हाँ हाँ, जिसके वजह से मैं सुबह से लगा हुआ। चलो मतलब वो अल्टीमेट चीज ही ले आओ, ले आओगे आप, मैं दिखाई देता हूँ। चलो तो भाई सबसे पहले मैं आप लोग इसमें मॉडिफिकेशन की बात करें जो हम लोग इसमें कर चुके हैं भी, आज हेडलाइट चेंज नहीं करा, नहीं S10 वाला ही। तो भाई ये देखो S10 वाला जिसमें प्रोजेक्टर वाला आपको मिल जाता है, उनको अच्छा लगता है ऑरेंज वाला है, मतलब इंडिकेटर के शौकीन है, इंडिकेटर ऑरेंज होना चाहिए। और S11 में ये डिफरेंस है कि व्हाइट हो जाता है। चलो तो भाई S10 S11 मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ग्रिल आप लोगों को पता है नॉर्मल आती है ब्लैक ग्लॉस में, तो उसको चेंज करके S11 का ये अपना क्रोम वाला आ जाता है भैया, बिल्कुल। चलो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर शूट उसके बाद करेंगे, मेन चीज जो हमारा उस पर फोकस मारते हैं। तो भाई अंदर मैं लेके आता हूँ आप लोग को, तो चामुंडा भाई जो चमत्कार के लिए जाने जाते हैं वो अंदर बैठ के चमत्कार दिखा दो है। तो भाई सारी वायरिंग पूरा खुला पड़ा है स्कॉर्पियो, ऐसा लगा है रिस्टोर कर रहे हैं इसको आज हम। चामुंडा भैया बताओ आज क्या बताना चाह रहे थे? वायरिंग का काम तो आप देख ही सकते हो, हमारा पूरा वायरिंग का काम हुआ इसके अंदर, कहीं से कुछ कटिंग नहीं हुई भैया, कुछ भी नहीं, सारा कपलर टू कपलर होता है। देखो ये देखो सारा कपलर आप लोगों को मैं दिखाऊं, यहाँ से कपलर खुला, ये देखो चामुंडा भाई ने खोला आप लोगों के लिए और ये कपलर लगा दिया। और सारा वायरिंग आप देख रहे हो टॉप बेल्ट से पूरा लगा दिया गया, या कोई भी वायरिंग है कभी आवाज ना करे या वायरिंग थोड़ी ऊपर नीचे ना हो जाए, ना गिरे पैरों में, ना ऐसा कुछ ना, इसलिए देख लो सारी वायरिंग पूरी प्रॉपर तरीके से लग चुकी है, हर एक चीज अटैच कर दिया गया, क्योंकि S5 से S11 करने में काफी वायरिंग लगती है, काफी वायरिंग हमारा डालना पड़ता है अलग से, और कोई भी वायरिंग हल्की नहीं डाला, हल्की नहीं डाला हुआ, सारा महिंद्रा जेन्युइन है, महिंद्रा जेन्युइन सारी वायरिंग होता, कुछ वायरिंग महिंद्रा जेन्युइन डालता, ठीक है, जैसे साइड मिरर के लिए जेन्युइन वायरिंग डालते हैं, ठीक है, पहले तो हम अलग से वायरिंग डालते, बट वो हमारे पास वायरिंग आ चुका, हम वायरिंग के साथ करते हैं। और आप लोगों को मैं दिखा दूं वगैरह भी जो जाता है एम्पलीफायर के लिए, पूरी देख रहा हूं यहां से जा रहा है कैसे, बिल्कुल ये देख रहा हूं एक्स्ट्रा, और आप लोगों को मैं दिखा दूं ये चीज, चेक आउट करो भाई सब कुछ आप लोग के सामने रहने वाला है। और चामुंडा भैया जो यूनिक चीज ला रहे हैं मेरे भाई उस चीज का वेट कर रहे हैं, वो चीज पहले शेयर कर दो आज। चलो मैं दिखाई देता हूं। चलो भाई दिखाने में बिलीव करते हैं हम लोग, बोलने में बिलीव नहीं करते। उसमें पीछे से एक बार डिफॉगर की कमी रहता था, डिफॉगर की बिल्कुल भाई ये चीज की कमी रहती थी S11 करने में। तो आप डिफॉगर की मिरर देख सकते हो इसके अंदर, और सिर्फ हमने मिरर इसके अंदर नहीं डाले, ओके, मैं एक्टिवेट करके दिया हूँ, एक्टिवेट डालना तो आज से 2 साल पहले मैं डाल चुका हूँ, डाल चुके हैं, पर मैं कुछ ऐसा नहीं जाली वाला काम ही नहीं करते, लगा दी और दिखा दी S11 बनी आवाज, बिल्कुल बिल्कुल पे विश्वास करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए चामुंडा भाई महिंद्रा किंग और स्कॉर्पियो किंग कहे जाते हैं। तो कोई एक्टिवेट ना सामान जब तक मैं गाड़ी में नहीं डालता, बिल्कुल एक्टिवेट हो गया और वो भी पूरी वायरिंग टू वायरिंग करके दिया हूं। ये देखो भाई यहाँ पे सब कुछ आप लोग के सामने रहने वाला है, चामुंडा भैया दिखाने में बिलीव करते हैं। ये पूरी वायरिंग यहाँ से देख रहे हो ना, बिल्कुल वायरिंग यहाँ से पूरा हमने डाले, और हमने जो वाइपर लगाए इसके अंदर, वाइपर आप देख सकते हो ये पूरे कपलर से लगा है, ये देखो भाई सब कुछ आप लोग क्या करते हैं यहाँ से वायरिंग काट के यहाँ पे ज्वाइंट करके लेके जाते हैं, और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल। अब हमारे पास चामुंडा भाई पहले हम लोग क्या करते थे भैया, कपलर टोटली आ चुका है और यहाँ पे बस जैसे अटैच कर दिया और प्रॉपर वर्किंग है ये, और कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है भाई आप लोगों के साथ चामुंडा भैया ने हर एक मैकेनिज्म शेयर करा कि कैसे भाई ये प्रॉपर वर्किंग करता है, और अब तो भाई हम दिखाने में ही बिलीव करेंगे, वेट ओवर हो रहा है। पहले क्या होता था ये वाइपर चलता था, यहाँ पे अगर आपने रोका तो यहीं रुक जाता था, फिर चामुंडा भैया पीछे देख के उसे करना पड़ता था सेट की कब नीचे है फिर मैं बंद करूँ। पहले क्या होता था कि जहाँ पे मैं बटन बंद किया, मान लो वाइपर इधर बंद किया, इधर ही रुक जाता था, यही रुक जाता था, ओके, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, अगर हम बटन बंद कर दिए, हाँ जी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आकर यहाँ पे आ जाए, ऐसा ऑटो ऑटो हो गया, ऑटो हो गया, पहले मैनुअली था, मैनुअली था, नॉर्मल था, पहले मैनुअली था अब ऑटो हो गया। चलो तो बहुत सही चीज आप लोग को, और डिफॉगर आप लोग देख चेक आउट कर, ये अभी हमने मिरर चेंज करा है S5 में ही लगा, ये चीज भी शेयर करो, चेंज करके उसके बाद इसकी पूरी वायरिंग एक्टिवेट करा, जो भी काम है
पहले मिरर चेंज होता है, उसके बाद काफी इसके अंदर काम होता है। ठीक है, S11 का मिरर पूरा टोटली चेंज होता है। चलो तो भाई आप लोग को ऑल जेन्युइन में आप लोग को दिखा दूंगा, और अगर आप लोग सोचोगे कि मिरर आफ्टर मार्केट है तो यहाँ महिंद्रा का आप चेकआउट करो भाई। होप कैमरा जस्टिफाई कर रहा हो आप लोगों को। ये देखो मैं आप लोग को दिखा दूँ, महिंद्रा टेम्पर लाइट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये देखो ये मिल जाएगा, ये है भाई ये महिंद्रा शैडो का। हाँ जी ये देखो यहाँ पे महिंद्रा AIS का टेम्पर लाइट, बिल्कुल भाई जेन्युइन है। ISI मार्क भी आप लोग को मिल जाएगा। ये देखो तो ऑल जनो रहने वाले, ऐसा कोई चीज नहीं है कि भाई आफ्टर मार्केट लगा रहे हैं महिंद्रा किंग, और OEM वाला भी कैमरा सेटअप करते हैं। अभी कैमरा अंदर जाएगा, जब पूरी सेटअप करने के बाद अंदर प्रॉपर सेटअप होने के बाद अंदर जाएगा। ठीक है, अभी एक बार मैं गाड़ी वॉशिंग करवा देता हूं। हां हां एलॉय लगवा लेते हैं बढ़िया से, फिटिंग हो जाए, वॉशिंग हो जाएगा, फिर अंदर की डैशबोर्ड वगैरह पूरी तैयार हो जाए, बढ़िया गेटअप हो जाए। पूरी सेटअप है, मेरा गेटअप तो इन चीजों के लिए आज इस गाड़ी के लिए ऐसे सुबह सुबह ही आ गए, सुबह 6 बजे उठ गए। अरे यार ये होता है सैक्रिफाइस भाई। ये देखो मतलब स्कॉर्पियो किंग है, दूर से गाड़ी आई, अलग ही रिस्पेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सेम डे काम करके सारा भेजना था, इसलिए मैं सुबह 6 बजे से लगा हूँ। चलो भाई तो चामुंडा सेम डे गाड़ी हमें डिलीवरी दे भाई। अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक बार गाड़ी फुल अल्टीमेट मॉडिफाइड S11 हो जाए, यहाँ पे S11 का लोगो लग जाए, उसका मैं आप लोगों को प्रॉपर काम दिखाता हूँ कि भाई जो अगर स्कॉर्पियो किंग है जया ऑटो तो भाई अल्टीमेट चीज करके ही दिखा। तो गाइस फाइनली अपने इस स्कॉर्पियो की मॉडिफिकेशन काम कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों को पता भाई स्कॉर्पियो की मॉडिफिकेशन काम है तो भाई एक ही नाम आता है भाई, वो जय ऑटो, और चामुंडा वी आर द किंग आ चुके हैं भाई। चामुंडा ये बिल्कुल अपनी S5 थी, और भाई बिल्कुल देखो कितनी दूर से आई थी और अल्टीमेट कर दिया मतलब बिल्कुल। तो चामुंडा भी A to Z हमेशा की तरह शेयर करो। अभी तो मैं इसका सारा काम जो किया हूँ वो मैं सारा दिखा देता हूँ। ओके और बाकी लाइटिंग का काम मैं भूत वाली गली में जाऊँ, भूत वाली गली में दिखाएंगे। सही है, बाकी सेटअप पहले हम दिखा देते हैं कि हमने सेटअप लगाया इसके अंदर, हमने लगाया क्या। ओके तो इसके अंदर अगर आप काम चेक करना चाहते हैं तो इसमें जो हमने हेडलाइट डाले S10 की रहने S10 वाली है, 11 नहीं रहने। ठीक है, एक बार और डिफरेंस समझा दो कि S10 11 में क्या डिफरेंस होता है। ऑरेंज और व्हाइट के फर्क जो होता है, बस इतना सा डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। और फोकस ब्राइटनेस में, फोकस ब्राइटनेस में सब चीज सेम है बिल्कुल। चलो और अपना फॉग लाइट इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा S11 वाला ही पूरी सेटअप रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप ग्रिल की बात करोगे तो ये भी हमारा S11 वाला ही रहने वाला है। ओके, जो हमारा S11 स्टॉक में आता है वही वाला इसके अंदर पूरी ग्रिल डाल के देते हैं। ठीक है, जो कि कहीं से आपको पेस्टिंग नहीं दिखेगा। ओके, आप देख सकते हैं बिल्कुल 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 मैं कहीं से आपको अलग से पेस्टिंग नहीं दिखेगा। ये अलग ग्रिल चेंज होता है, ये उस वाली ग्रिल पे क्रोम नहीं लगाते। नहीं नहीं, वो ग्रिल हम पूरा हटा करके नया लगाते हैं, नया ग्रिल। इस कस्टमर को अगर उसी ग्रिल के अंदर काम करवाना वो भी हमारे पास पार्ट होता है, और पेस्टिंग वाले भी पार्ट है, हमारे पास सारे पार्ट अवेलेबल है। चलो ठीक है, बहुत सही चीज है। गार्ड डाले हैं, हाँ जी, ये गार्ड हमारा बिल्कुल महिंद्रा वाला तो नहीं है, आफ्टर मार्केट है जो जेन्युइन है हम चीज शेयर कर देते हैं बिल्कुल। तो उसके अंदर यहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ था, इसके अंदर स्कॉर्पियो भी लिखा हुआ है, हमारा आफ्टर मार्केट है। और अगर हम थोड़ी सी अगर देख सकते हो इसमें जो मॉइस्चर आया हुआ है, हम दिखाना चाहते हैं, थोड़ी सी फॉग आ गया। हाँ जी, क्योंकि गाड़ी का काम चल रहा था और उसी बीच में हमारा इसमें वॉशिंग हुआ है। हाँ, तो जो पीछे से कवर से थोड़ी सी पानी का जो मॉइस्चर गया वो कोई नहीं, अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, मतलब आगे दिक्कत तो नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अगर दिखाना भी चाहता तो मैं हेडलाइट भी वीडियो में ही नहीं लेता, बट मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, आया है तो कोई माइनर से प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। चलो तो बहुत सही चीज, आगे कभी दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग को पहले ही बता दिया गया ये चीज जो प्रॉब्लम आई है। गाड़ी धोते हुए में थोड़ी सी मॉइस्चर आ गया, हेडलाइट और फॉग लाइट के बारे में चामुंडा भैया ने दिखा दिया। अभी बात रिस्पॉन्स की, तो इसके लिए मैं आपको भूत वाली गली में दिखाऊंगा। ठीक है, पूरा आउटपुट जो आने वाला है, आउटपुट हम आपको भूत वाली गली में। लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम इन इंडिया कर रहे हैं, कुछ धमाका है फॉग लाइट में कर चुके हैं हम लोग। फॉग लाइट में तो हमने किए, बाकी पीछे डिफॉगर भी जो हमने किए फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओके, वो इस गाड़ी के अंदर हुआ है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ है, क्लेम कर सकते हैं प्रॉपरली बिल्कुल। तो भाई सीधा पहले किसी ने किया, बट मेरी जानकारी से बाहर है। चलो तो पहले एक बार भाई इसका आउटपुट चेकआउट करके आओ, फिर इसके बारे में और डिटेल में मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो गाइस हम लोग चुड़ैल वाली गली बोल लो, भूत वाली गली आ चुके हैं, स्कॉर्पियो का भाई अल्टीमेट वाला जो हेडलाइट और फॉग लाइट का रिस्पांस दिखाने। तो आगे देखो भाई बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी विजिबल नहीं है। तो चामुंडा भैया जो धमाका करा है वो दिखाओ पहले। तो भाई ये सिर्फ फॉग लाइट का रिस्पॉन्स है, और फॉग लाइट ऑन हो चुका है, IPH नहीं है, नॉर्मल जो महिंद्रा स्कॉर्पियो जेन्युइन आता है उसके अंदर धमाका करा। और आगे देखो भाई पूरा भाई बिल्कुल दिन बन चुका है, मैं हट जाऊँ आगे से। तो ये देखो भाई पूरा अपना चुड़ैल वाली गली अब अच्छी गली हो गई। चामुंडा में ये चीज शेयर करो, इसमें हम लोगों ने क्या लगाया इसके अंदर, मैं कुछ हटके चीज लगाए। हाँ हाँ, LED डाला, पर IPH नहीं है। नहीं, IPH नहीं, महिंद्रा जेन्युइन स्टॉक फॉग लाइट है। ठीक है,
उसमें मैंने डाला, शॉक फॉग लाइट नहीं है, स्टॉक आता है S5 में डाला है, S5 में S11 का लगाया, महिंद्रा जेन्युइन पार्ट स्टॉक ही बोल सकते क्योंकि अब तो S5 रहा नहीं कहीं से, हां हां S11 कर दिया। तो एक बार हेडलाइट का तो धमाका दिखाओ, S10 वाली अगर बोले तो फिर तो बेइज्जती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे हेडलाइट अब ऑन करने जा रहे हैं, तो ये देखो अब हेडलाइट के बाद देखो भाई बिल्कुल दिन बन चुका है, हाई बीम लो बीम देखो, एक बार चेक आउट करवाना हाई बीम लो बीम। दूर दूर तक अगर कुछ लाइटों की कमी है हाँ तो फिर कमेंट में बताना, कमेंट में जरूर बताना अगर कहीं भी लगे इसके लिए कुछ चेंजिंग के लिए। चलो तो भाई ये देखो भाई अल्टीमेट वाला चीज है, हमारा मेन फोकस होता है भूतों वाली गली में आपको हेडलाइट का रिस्पॉन्स चेक आउट करवाना। भैया HID LED है पूरा सेटअप एक बार शेयर करो पूरा, मैंने इसमें एलईडी का सेटअप है, एलईडी का सेटअप, लेकिन एलईडी अल्टीमेट वाली है, लेकिन वो चीज बताएंगे नहीं, कुछ अलग लेवल का डाला पहली कार में मैंने स्टार्ट। कितने वॉट का रहने वाला अपना? 150 वॉट का डाला, 150 वॉट का। तो भाई देखो 150 150 150 फर्स्ट टाइम हुआ है, 450 वॉट की एलईडी, 450 वॉट। ये देखो भाई तहलका मचा चुकी है इस गली में, पूरा दिन बना दिया, और हम लोग आगे से हट जाए तो ये देखो। बाकी सर का भी, सर भी साथ खड़े हैं, सर के सर कैसा लगा? एकदम बढ़िया, मजा आ गया। हाँ। जो सोच के आए थे MH से, मतलब महाराष्ट्र से, मजा आ गया ना बिल्कुल। हाँ, एकदम बढ़िया। चलो सर का रिव्यू एंड में लेंगे, तो मेन फोकस तो आप लोग को हमेशा की तरह भूतों वाली गली में हेडलाइट चेकआउट करवाना, तो हेडलाइट फॉगलाइट भाई आप लोगों ने चेक। भाई एलॉयज मल्टी स्पोक वाले यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये चीज हम लोग को आप लोग को दिखाई रहे पूरी वीडियो में, बट यहाँ पे मेन दिखाने का मैंने जो हम लोगों ने अंदर LED लगाया उसका सेटअप चेकआउट करो। तो चामुंडा भाई भी विजिबल नहीं है, पर चामुंडा भाई की आवाज विजिबल है, और इंडिकेटर पे चेक कर सकते हो। तो इंडिकेटर पे देखो भाई, दूर से मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये देखो कितना अल्टीमेट वाला लुक निकल के आ रहा है, यहाँ से देखो भाई बिल्कुल अल्टीमेट वाला लुक हो गया, और पूरे टायर में, यहाँ पे आपको सिंगल दिख रहा होगा बट ये पूरे टायर में विजिबल है, और बिल्कुल अल्टीमेट वाला चीज हो गया। मैं दूर से भी आप लोग को दिखाऊं तो ये भी चीज मेरे को आप लोग को चेकआउट। हम लोगों ने भूतों वाली गली से हम यहाँ पे आ चुके हैं अगेन, और आउटपुट आप लोगों ने चेक करा चामुंडा भैया, धमाका ही हो गया बिल्कुल आज तो। वो तो मेरे कहने से नहीं होगा ना। हाँ हाँ, ये व्यूवर्स बताएंगे, वो व्यूवर्स बताएंगे कि धमाका हुआ या नहीं। चलो तो चामुंडा भैया बिल्कुल जेन्युइन ही बंदे हैं। अब मॉडिफिकेशन की बात करो तो अलॉयज काफी प्यारे लग रहे हैं, आप लोग चेकआउट कर पाओगे, अंदर की लाइटनिंग बढ़िया लग रही है। रहने वाला है मल्टी स्पोक डबल कलर में रहने वाला है, ठीक है, ब्लैक और सिल्वर की फिनिशिंग है यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। और आज थोड़ा सा मैं सवेरे से बीजू घर से, ऐसे थके हुए से लग रहा है बिल्कुल, मैं सवेरे घर से बिना तैयार हुए आज मैं निकल गया था, तो भाई ये मत बताना कि डिफरेंट दिख रहा है। बस एक गाड़ी तैयार करना था, मेरे भूत सवार था कि गाड़ी को मेरे को जल्दी से जल्दी फ्री करना, मॉर्निंग से और शाम तक मैंने 2 दिन का काम 1 दिन में कंप्लीट करके क्योंकि गाड़ी बहुत दूर से आई थी, मैं सवेरे जल्दी आ गया था, ऐसे घर से उठ के आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब मॉडिफिकेशन की बात करते तो S5 में हमें ये वाला साइड मिरर नहीं मिलता, ये वाले साइड मिरर नहीं मिलता, वो RBM नहीं मिलता, नहीं मिलता जो हमारे RBM डाला है, देख सकते हो आप लोगों को मैं चेकआउट करवा दूँ। यहाँ पे कुछ भी डंडी नहीं है। हाँ हाँ, डंडी हमने बिल्कुल हटा दिया, बिल्कुल प्लेन होता है। ओके, तो ये वाला लगा। आप बोलोगे कि यहाँ पे टूटर की प्लेसमेंट क्यों नहीं किया, कि हमारी हर वीडियो में यहाँ पे टूटर की प्लेसमेंट होता है। हाँ हाँ। तो भाई साहब को चाहिए था कि भाई नहीं, हमें यहाँ पे S11 ही कर दूंगा, S11 तो टूटर की प्लेसमेंट हमने फिर यहाँ पे की है, यहाँ पे करी। हम बाकी इस तरीके से नहीं करते कि यहाँ पे टांग दिया इधर टांग दिया, ऐसा कुछ भी, हमारा प्रोफेशनल काम होता है, प्रोफेशनल काम होगा, वहाँ नहीं होगा तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कितनी अच्छी फिटिंग है। चेकआउट करवा दूं ये देखो, और अगर अभी मैं अंदर की बात में बताऊंगा, पहले मैं बाहर के बता दूं और क्या रहने वाला काम में। ओके, तो इस साइड वेंट के अंदर हमारा इंडिकेटर गायब नहीं की हमने। ओके, इसी के अंदर हमने क्रोम की फिटिंग की है, क्रोम की फिनिशिंग करी, MOF की बैजिंग दे दी, ब्लैक कलर की गाड़ी में थोड़ी सी क्रोम अच्छे लगते हैं, ठीक है सही है। बाकी साइड मिरर तो हमने दिखाई दी है। ओके, साइड में फोटो सब चेकआउट कर सकते हो, हमारे S11 वाले रहने वाला है। ओके, और ये भैया की एक पसंद था डोर गार्ड, जो हमारी हर गाड़ी में नहीं आता। अच्छा, भैया ने अपनी तरफ से डलवाए हैं, ठीक है, तो आप ये मत बोलना कि स्कॉर्पियो डोर गार्ड डाले, भैया की अपनी पसंद है। चलो ठीक है, डोर वाइजर अपना है भैया, डोर वाइजर हमारे रहने वाला है, ठीक है, रनिंग वाला डबल शेड में ब्लैक और क्रोम वाला, ब्लैक और क्रोम वाला। ओके, सबसे बड़ी बात इसमें आप ये चेक करोगे, हमारे S11 वाले पिलर भी हम ब्लैक करके, ब्लैक आउट करके दिया हम लोग, देख सकते हो भाई S11 में सबसे बड़ी बात है पिलर मैट ब्लैक होता है। हाँ जी। और वो भी रफ वाले नहीं है, ये हमारे बिल्कुल मैट वाले है, जो कंपनी S11 देता है बिल्कुल वही वाले। इसका दाना चेक कर सकते हो, ये दाना दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल ये दाना वाला है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारा लुक है इसका। और अब हम साइड प्रोफाइल में हमारे टॉप पे रूफ रेल रहने वाला है, S11 वाली है, ये बोल्ट फिटिंग वाले रहने वाला, और कितना भी लालो कहीं नहीं जाएगा, है कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, फुल टोरा बाजी इस पे लटक के घूमो। अब बैक प्रोफाइल की अगर हम बात करें, धमाका तो बैक में ही हुआ है, धमाका तो बैक में ही हुआ है। इसके अंदर हमारा स्पॉइलर रहने वाला है S11 का, इसमें भी आफ्टर मार्केट नहीं है, जेन्युइन रहने वाला है।
तो मैं थोड़ी सी गाड़ी का एंगल चेंज करके दिखा देता हूँ, बैक प्रोफाइल में थोड़ी सी रोशनी में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। गाड़ी बैक करके दिखा गाइस, आप लोगों के लिए हम लोगों ने एंगल यहाँ पे चेंज कर दिया। चामुंडा भाई ये धमाका जी जल्दी जल्दी शेयर करो। नहीं मैंने एंगल इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पे लाइट की परफॉर्मेंस पूरी आ रहा है, पीछे से हमारे पूरी क्वालिटी नहीं आ पाता। ओके इसलिए मैंने किया। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको तो ये स्पॉइलर हमारे बिल्कुल महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपकी वाइपर की एक्टिवेटेड वाला है, ये देखो इसमें पानी यहाँ से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आप अगर इसमें देखोगे मिरर के अंदर हमारा टेपिंग क्यों लगा हुआ है। हाँ जी सब कुछ सारे भाई यही सोच रहे होंगे क्यों लगा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे S11 वाला मिरर चेंज हुआ है, जो कि डिफॉगर वाला देख सकते हो आप। ओके हमने आज S11 का डिफॉगर मिरर भी ऑन कर दिया, इसका मिरर ऑन कर दिया, सही है। तो अभी ग्लू थोड़े से कच्चा रहता है, दो दिन के लिए हमें टेपिंग डालना होता है। टेपिंग डालना होता है, सही है। कहीं भी अगर शीशा चढ़ता है तो टेपिंग तो लगता ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डिफॉगर देखो भाई, ये अल्टीमेट चीज़ है। और वाइपर भी हमारा एक्टिवेट रहने वाला है इसके अंदर, जो मैं इस वाइपर के अंदर एक अलग फंक्शन ऑन किया आज, ठीक है। आज से पहले जो भी वाइपर होता था वो मैनुअली होता था, ठीक है। जहाँ से बटन अगर हम बंद करते थे, अगर मान लो इधर है बटन, वहाँ से बंद किए तो यही रुक जाता था, ठीक है। तो हमें ध्यान देना होता था जब पीछे आया फिर हमें बटन बंद करना होता था। अभी मैंने ऑटो करके दिया, ऑटो कर दिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्कॉर्पियो के अंदर मैंने ऑटो कर दिया आज, ठीक है। जो अगर हम वाइपर ऑन किया, हाँ जी, कहीं भी बटन बंद करूँ ऑटोमेटिकली इधर आकर के रुकेगा। चलो बहुत सही चीज है, मैं आप लोग को चेकआउट करवाते चामुंडा भी आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये देखो भाई, और यहाँ पे अपना वाइपर स्टार्ट हुआ और पानी का फ्री फ्लो स्टार्ट हुआ, और बियाने जैसे ही वहाँ बंद करेंगे तो बिल्कुल वहीं आके रुकेगा, वहीं आके रुका, बिल्कुल वहीं आके रुका, बंद करके निकला। और पहले हमें देखना पड़ता था कि बीच में जब नीचे आ गया तब बंद करें। वीडियो में देखो इधर रुक रहा है, कभी इधर रुक रहा है, बिल्कुल अपनी जगह पे आके रुकेगा, ठीक है। ये बिल्कुल S11 के प्रॉपर फंक्शन मैंने ऑन करके दिया, पहले मैनुअली था, ठीक है। पहले मैं जिन भाई को लगा करके दिया, उन भाई को अगर ये चीज करवाना हो तो हमारे पास आ सकता है, मैं करके दे दूंगा, ठीक है, सही है। ओके ये नहीं है कि उसके चार्ज अलग लगेगा, ठीक है, उन भाई को इसी चार्ज के अंदर करके दूंगा मैं, ठीक है। चलो सही है, बहुत सही चीज है। उस समय एक्टिवेट नहीं हो रहा था, आज हमने कर दिए तो उनके लिए सारे भाई मेरे आ सकते जो लगवा चुके हैं हमारे से रियर वाइपर, फर्स्ट मैं उनको ऑटो करके दूंगा। मतलब जो भी मेरे भाई रियर वाइपर S5 में लगवा चुके हैं, भाई को ये ना लगे कि यार मैंने नॉर्मल करवा लिया, ठीक है भैया, सही है। ओके उनके लिए भी फुली ऑफर है कि जब भी आएंगे उनको मैं ऑटो करके दूंगा, ठीक है। तो भैया एक बार डिफॉगर भी ऑन करके दिखा दो। डिफॉगर ऑन ऐसे नहीं पता लगेगा, डिफॉगर जब हमारे अंदर फॉग आ जाता है, ठीक है, तो हमें बटन दबा करके इससे पूरा हीटअप हो जाता है, पूरा हीटअप होता है टॉप मॉडल में जो होता है, तो भी फॉग का टाइम नहीं है। बस हम यहाँ पे है कि छू के हमें पता लग सकता है कि ये गर्म हो गया शीशा या क्या, तो वीडियो में तो पता चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। बाकी हमने पूरी एक्टिवेट किया, जो बाकी सर का रिस्पांस लेंगे कि ऑन हुआ है कि नहीं हुआ, पूरी वायरिंग वगैरह के साथ। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिखा दिया था, सारा चीज हमने दिखाई दिए थे ऑलरेडी। ओके सही है। स्पीकर जो हमारा रहने वाला है पाइनियर का, पाइनियर का ओवल जनरली जो हम लोग लगाते हैं, और जो ये भाई साहब की जो ग्रिल वगैरह निकला है उसको लेकर के जा रहे हैं, सारा पार्ट पुराना वाला हेडलाइट ये सब डाले 1500 वाट के, देखो ये देखो भाई JBL का 1500 वाट है। और फर्स्ट टाइम भाई सोनी में आप लोग को दिखा रहा हूँ अपने चैनल पे, ये नहीं बोलूंगा भाई फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बट मेरे चैनल भाई आउटपुट जरूर चेक आउट करना, सोनी पे बहुत अल्टीमेट वाला आउटपुट है। मैं सीधा भाई इंटीरियर लेके चलता हूँ आप लोग, बोलो कोई बात है। तो अभी थोड़ी सी हमारे पानी के छींटे आ चुका है जिसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ कि रियर गाड़ी जो हमारा रहने वाला है S11 वाला रहने वाला, ओरिजिनल वाला भैया महिंद्रा जेन्युइन वाला रहने वाला, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो बंपर पट्टा, बम्पर पट्टा थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो गया सामान वगैरह डालने में, पीछे रिफ्लेक्टर लाइट हमारे रहने वाला है देख सकते हो। ओके और ये सेफ्टी गार्ड रहने वाला है, सेफ्टी गार्ड यहाँ पे। और भाई बोलेंगे कि भैया ब्लैक वाले क्यों नहीं लगाए, तो नहीं थोड़ी सी कभी कभी डिफरेंट भी करना, डिफरेंट भी करना, वो बाकी कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट होती है उनका क्या टेस्ट करना होता है इसके अंदर। बाकी मैं अंदर की प्रोफाइल से दिखाता हूँ कि अंदर हमने क्या किए हैं, टेल लाइट वीडियो तो हमने दिखाई चुके हैं, बिल्कुल हमारा ऑलमोस्ट लगता ही लगता है। S11 का पिलर दिखाई चुके हैं, S11 पिलर वगैरह हमारा हो चुका है, नॉर्मल है, तो वीडियो में दिखा रहे हैं तो बिल्कुल। बाकी ये हैंडल भी आप देख सकते हो बिल्कुल पेंटेड है, भाई साहब कंपनी से करवा के लाए, बट हमारे पास भी होता है अवेलेबल है, बिल्कुल। S5 में कोई भाई करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, और S11 की बैजिंग भी हो गई है, हमने कई वीडियो में दिखा चुके हैं, ये S11 की बैजिंग हो चुकी है। बाकी अंदर की प्रोफाइल में दिखा दो, अंदर हमने क्या काम किया। चलो तो भाई सीधा मैं आप लोग को अंदर लेके गाइस, अंदर लेके मैं चलता हूँ। ये देखो भाई पूरी अपनी डैशबोर्ड वाली लाइट अल्टीमेट हो चुकी है, चामुंडा भैया बहुत अल्टीमेट लग रही है अभी ये रोशनी के अंदर, तो ये आपके एम्बियंस लाइट की क्वालिटी पता चलेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बाकी वीडियो में तो हमने पहले भी अंधेरे में हम लोगों ने दिखाई दिया, पैरों के अंदर जो लाइट, बिल्कुल एटमोसफियर लाइट, बिल्कुल बिल्कुल ओके। और अपना
70 मैट और अपना फ्लोरिंग नॉर्मल होता ही है। ओके देख सकते हो फ्लोरिंग, आप लोगों को मैं चेकआउट करवा दूं। और सबसे बेस्ट चीज तो चामुंडा भाई ये सीट कवर ही कुछ अल्टीमेट हो चुका है आज के सीट कवर, कुछ अल्टीमेट हमने हर चीज से फर्स्ट टाइम इन इंडिया कर रहे हो क्या आज? नहीं, ये हर चीज में नहीं बोला। okay. सीट कवर में तो ऑलमोस्ट बहुत हो चुका है, कई लोग करते हैं बट हमने जो आज किए हैं थोड़ी सी डिफरेंट लुक दी है इस गाड़ी को, क्योंकि okay. भाई साहब जो आए थे ये महाराष्ट्र से आए थे और इनकी एक चाहत था कि हम जियोटो से अपनी स्कॉर्पियो तैयार करवाएंगे, स्कॉर्पियो जियोटो से तैयार करवाएंगे और एक जिद के काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहे थे। हाँ, तो एक जिद से आए हैं कि नहीं मेरे को जियोटो से तैयार करवाना है, बस 1300 किलोमीटर से आए चल के। तो मैंने अपने हिसाब से गाड़ी तैयार किया कि नहीं भाई साहब मैं अपने हिसाब से करता हूँ, भैया कोई चीज के नहीं है कि मेरे को ये लगाओ वो लगाओ कुछ नहीं। ओके मेरे को बोले कि आप अपने हिसाब से कर दो, ठीक है सही है। तो सीट कवर ये भी है नॉर्मल तो है नहीं, इसमें कुशनिंग ऐड हुई है, क्या चीज ऐड हुआ है? कुशनिंग आप ये देख सकते हो कैसी फिटिंग है, फिटिंग देखो भाई, थाई साइड की देख लो, एक ऊपर की थाई देखो ये कैसी है, बिल्कुल यहाँ की चीज देखो, जो महाराजा सीट वाली हम बोल सकते हैं, बिल्कुल महाराजा सीट एक तरीके से कुछ बोल सकते हो, कुछ अल्टीमेट है कुछ नहीं अल्टीमेट है वो आप तो कह ही सकते हो, बिल्कुल बाकी व्यूवर्स बताएंगे नीचे कमेंट करके। बाकी हमारी ये जो लाइट देख सकते हो कितनी पावरफुल लाइट है। ओके सनग्लास होल्डर भी लगाए, इस मॉडल में नहीं आता ये सनग्लास होल्डर है, लाइट परफॉर्मेंस पहले देखो कितनी है, बिल्कुल ये बंद कर दिया A11 में ये लाइट आता होंगी। ओके जो हमने लाइट डाली इसके पावर देख सकते ये हो। देखो भाई ये इस वाली लाइट का पावर है, ये तो हमने सीट कवर के दिखा दिए पूरी, कहीं से भी रिंकल्स नहीं है कुछ नहीं है, सारी फिटिंग हमने चेकआउट करा दी। ओके बच के बाद हमारा जो S11 के अंदर सिल्वर पार्ट होता है जो उधर डोर में भी दिखा, यहाँ पे ये देखो भाई ब्लैक आता है, हाँ ब्लैक आता है जो कि हमें सिल्वर करके दिए, पूरे सिल्वर करके दिए। ओके ये स्टीयरिंग आप इधर बैठ करके जरा दिखा दीजिए कि हमने इसके अंदर क्या किया। ओके तो भाई ये अंदर आ चुका है, हम लोगों ने यू जो आता है ब्लैक उसको भाई हम लोगों ने सिल्वर कर दिया, मैंने स्टीयरिंग के फोकस ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग क्वालिटी। ओके ये यू देखिए और पूरी बटन के साथ बिल्कुल बिल्कुल स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगा दिया S5 में। भैया कह रहा था कि नहीं मीटर मेरे को नॉर्मल ही रहने दो, मीटर चेंज नहीं करा, मीटर चेंज क्योंकि मीटर दिखा चुके हैं पर कोई मेरा भाई लगवाना चाहे हो जाएगा, बिल्कुल कपलर टू कपलर होगा बिल्कुल। चलो और म्यूजिक के अगर हम ये गियर नॉब वगैरह तो हम दिखाई दिए नॉर्मल है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ये सब एक चीज दिखाने में। बाकी हमारा जो है इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम सोनी के रहने वाला, फर्स्ट टाइम भाई देखो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम, ये नहीं बोलूंगा भाई इंडिया में फर्स्ट टाइम है। एक्चुअली क्या होता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो जब हम लगाते हैं, हाँ जी, उसके अंदर थोड़ी बहुत परेशानी रहता है, ठीक है सही है, एंड्रॉइड स्टूडियो में थोड़ी बहुत परेशानी रहता है, भाई महाराष्ट्र से आए हैं तो अगर 1% कोई परेशानी आ जाए तो वहां से चल के आना मुश्किल है, बिल्कुल सही है, पसीना भी आ रहा है बहुत, तो अपना वहां से सुबह से ही आ रखे सुबह से आ रखे कोई नहीं। अब तो मैं कह रहा हूँ इसमें इसीलिए मैंने अपना सोनी का स्टीरियो इसके अंदर डाल दिया, सोनी का स्टीरियो लगा हाँ, क्योंकि और आउटपुट तो बहुत अल्टीमेट मैंने सुना है, भाइयों को भी सुनाऊंगा भी आगे, अलग ही लेवल की चीज है पूरा। एक बार ऑडियो आउटपुट भी शेयर करो चामुंडे में क्या क्या लगा इसके अंदर, हमने तो सोनी का स्टीरियो डाल दिया इसके अंदर। मॉडल मॉडल आपका 3500, ठीक है 3500 नंबर हिसाब बोल सकते हैं। ओके हमने जो इसके अंदर आगे कंपोनेंट डाले वो पायनियर के डालने वाले, पायनियर का और बैक में कोएक्सल, पीछे ओवल स्पीकर ए सीरीज। ओके और इसका जो हमने सेटअप दिया टोटल इन्फिनिटी के प्राइमस 4-channel एम्पलीफायर से, 4-channel एम्पलीफायर से, 4-channel एम्पलीफायर से, यहाँ बेस कंट्रोलर भी मैं देख रहा हूँ, हाई बेस कंट्रोलर है जो हम बेस कम ज्यादा कर सकते हैं इससे। ओके इन्फिनिटी के प्राइमस सीरीज 4-channel एम्पलीफायर से चारों स्पीकरों को मैंने दिया, और अपना जो हमने इसमें बेस ट्यूब डाले JBL के उसके लिए मैंने कैब के मोनो एम्प डाला है, कैब का मोनो एम्प डाला, वैसे सिंगल एम्प पे भी चला सकते हैं बट सर दूर से आए थे नहीं पता क्या होता है, सिंगल एम्प से चलाने से क्या होता है एक पूरी थका हुआ साउंड मतलब मिक्स होता है, मिक्स हो जाता सही है okay. मतलब ये थका हुआ साउंड तो नहीं बोल सकते, थका हुआ साउंड तो लोकल एम्पलीफायर पे होता है, मतलब बेस वगैरह जो चीज अलग अलग वो नहीं आ पाता, जिनके बजट होता है उनके लिए तो हम अलग अलग ही बनाते हैं, जिनका बजट कम होता है उनको एक ही चैनल एम्पलीफायर पे बना के देते हैं पूरी सेटअप, ठीक है। तो इनकी बजट था कि नहीं भैया हमें थोड़ी सी सेटअप अलग अलग बना करके दो, तो मैंने उसी हिसाब से बना कर दिया बेस कंट्रोलिंग। सबसे बड़ी बात इनका ये चाहता कि कई बार फैमिली बैठता गाड़ी में तो हमें बेस नहीं चाहिए, इसलिए मोनो एम्पलीफायर डाला कि यहाँ से आप बेस कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सही है बिल्कुल सही है। और बाकी वायरिंग वगैरह जो भी डाले इसमें हमने पूरी कॉपर की वायरिंग यूज की है, ठीक है, एक एक चीज पे बारीकी से ध्यान दिया गया इसमें बिल्कुल। बाकी मैं बाकी सर को रिटर्न ना आना पड़े कुछ कंप्लेन लेके, हमारा काम परफेक्शन से ही होता है बट हमने फिर भी और ज्यादा ध्यान दिया इस पे। अब थोड़ी से बदलाव किए काम के अंदर कुछ अलग, ठीक है सही है।
धीरे धीरे बदलाव चाहिए होता है, बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो बदलाव हम कुछ करते जा रहे हैं, अगली वीडियो से हम कुछ और बदलाव करेंगे। हर बार हम चाहते हैं कुछ ना कुछ यूनिक दिखाना, अलग दिखाना। किसी चीज को नहीं दिखाना चाहता, सेम सीट कवर सेम। अब अगली वीडियो से हमारे को कुछ एक अलग दिखाऊंगा मैं, कुछ और भी करके दिखाऊंगा। चलो तो अलग बहुत सही होगा। तो मैं अब इसमें म्यूजिक के चेक कराता हूँ, एक रिवर्स कैमरा, रिवर्स कैमरा एक बार दिखा दो भाई। मेन ये होता है अगर गाड़ी ले तो भाई ये देखो अल्टीमेट वाली चीज है। यहाँ से मैं दिखा दूँ आप लोगों को तो कैमरा भाई बहुत अल्टीमेट है। स्कॉर्पियो का आउटपुट काफी प्यारा निकल के आता है। ये देखो भैया मूविंग है अपना, वाइड एंगल होता है, वाइड एंगल होता है। तो ये देखो भाई मूविंग वाला अपना नहीं रहने वाला, ये नहीं वाइड एंगल होता है। चलो ठीक है, एक बार यहाँ भी आउटपुट चेकआउट कर लो। वैसे तो भूतों वाली गली में हम लोगों ने आपको दिखा दिया, और राकेश जी हमारे ये घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। राकेश जी हमारे ये हमारे राकेश जी मैग्नाइट किंग वाले, मैग्नाइट किंग वाले। मेरा फ्रेंड है, बिल्कुल आप स्कॉर्पियो किंग हो। वो आप लोग जो मर्जी बोल दो बस भाई। तो एक चीज और है, आप स्कॉर्पियो किंग, धर्मेंद्र भी टाटा किंग, और राकेश जी मैग्नाइट किंग, मैग्नाइट किंग। चौथा हम कहीं जाते नहीं। तो उसके बाद भाई अब बात आती है, सारे भाई वेट कर रहे हो कि भाई आपने बोला है कि भाई आउटपुट बहुत प्यारा है, तो बस सीधा आप आउटपुट चेकआउट करो। अभी आप लोगों ने स्कॉर्पियो की फुल मॉडिफिकेशन देखी, और भाई MS-20 भैया, MS-20 कहाँ का लगता है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र। 1300 किलोमीटर से आए हमारे पास। 1300 तो मतलब वीडियोस रेगुलर फॉलो करते थे। हाँ। तो कैसा लगा काम हमारा? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, अल्टीमेट वाला। हाँ। भैया थोड़ा आप भी बोल दो। अच्छी जगह पैसे लगे, वर्थ हुआ। मतलब S5 से S11 कर दिया सोनू भैया ने। चलो तो सोनू भैया, ये तो हमारी कोशिश यही रहती है, जो भी हमारे स्कॉर्पियो लवर्स है बिल्कुल उनको बेस्ट टू बेस्ट काम मिले, बेस्ट टू बेस्ट करके, और भगवान की दुआ से, साईं बाबा की कृपा से बिल्कुल हमें दूर दूर से लोग आते हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है। भाई जी औरंगाबाद से आए बिल्कुल, समझ लो कितनी दूर है औरंगाबाद बिल्कुल। तो स्पेशल भाई जी बताओ स्पेशल क्या कराने हैं? औरंगाबाद से वैजापुर स्पेशल अपनी गाड़ी में काम कराने, और इनके टाइम में फर्स्ट टाइम डिफॉगर भी तो लगा दिया हम लोगों ने, हमने भी स्पेशल कर दिया भाई के लिए, और उनको यादगार रहेगी गाड़ी हमेशा, जब यूट्यूब पे जलेगी फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिफॉगर और ऑटो रियर वाइपर भी हो गया, पहले हमें रोकना पड़ता था बिल्कुल, हमारा ऑटो हो गया अपना, ऑटोमेटिकली वापस जाके रुकेगा अपनी जगह पे। चलो बहुत सही चीज है, कुछ नए नए फीचर्स हम लेकर आ रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते डेली सीट कवर और स्पीकर दिखाना, कुछ नया होता तो ही शूट करते हैं, अलग मजा आता है बिल्कुल बिल्कुल। और स्कॉर्पियो तो अब इनकी SUV 700 आ रही है, कोशिश करेंगे उसको भी कैच करें, अल्टीमेट करें उसको भी आगे बढ़ाएं बिल्कुल। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो कोशिश रहेगी SUV 700 की, वो भी हम काम उसके आगे करें। चलो तो सर बिल्कुल खुश हो रहे ना भैया आप भी, तो एक ऐसे लाइक कर दो जे ऑटो के लिए बिल्कुल, काम करा बिल्कुल, तो लाइक बनता है जे ऑटो के लिए। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल, लाइक करो, कमेंट जरूर करो, जरूर करना। चलो थैंक यू सो मच।